हेलो गाइज, मैं हूं महेश। आप देख रहे हो सिस्ट टेक बनाओ। फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज हमारे पास है दो काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस जो कि मीवी की तरफ से देखने को मिलते हैं। एक है ऑक्टेव 3 ब्लूटूथ स्पीकर और दूसरा है थंडरबीट ब्लूटूथ नेक बैंड। दोनों डिवाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस और बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिलते हैं। अब इस ब्रांड के साथ में पता सबसे अच्छी चीज क्या है, ये जो डिवाइस है ये मेड इन इंडिया डिवाइस है। मतलब कंप्लीट डिजाइन से लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपको इंडिया में ही देखने को मिलती है। तो यार, ये चीज बहुत बढ़िया है कि इनिशियली एक ब्रांड इस तरह से इनिशिएट कर रहा है और आपको काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पर इस तरह के जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर ऑफर कर रहा है। और इकोनॉमिकली बात करूं तो भाई भारत का पैसा भारत में रहता है। और राइट, तो आज के इस वीडियो में इस स्पीकर का एक डिटेल रिव्यू मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जो ब्लूटूथ नेक बैंड है इसका रिव्यू बहुत ही जल्दी आएगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून कर लेना। बाकी इस प्रोडक्ट का हम रिव्यू आज करने वाले हैं, साथ ही साथ इसका गिव अवे भी मैं करने वाला हूं। तो कंडीशन काफी ज्यादा सिंपल रहने वाली है, बस आपको क्या करना है वीडियो के साथ में लास्ट तक रहना है। तो सबसे पहले इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग करके इसके बॉक्स कंटेंट के ऊपर नजर डाल लेते हैं, फिर बाकी चीजों को लेकर बात करेंगे। तो बॉक्स पैकेजिंग कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट मिलता है, लाइक एक वारंटी कार्ड हो गया, वेलकम लेटर हो गया और एक यूजर मैनुअल हो गया। इसके अलावा मेन डिवाइस आप देख सकते हैं। और एक्सेसरीज की बात करूं तो यहां पर आपको टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है और एक ऑक्स केबल भी हमको यहां पर देखने को मिल जाता है। ओके, तो इन सबके बाद में आते हैं अपने मेन डिवाइस के ऊपर, जहां सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके बिल्ड और डिजाइन की तो देखने में डिवाइस बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मेरे पास रेड कलर है, इसके अलावा और भी काफी सारे कलर्स में ये डिवाइस अवेलेबल है। गाइज, अगर बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करूं तो एकदम सॉलिड डिवाइस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसका मेटेलिक ग्रिल के साथ में आता है। बाकी कॉर्नर्स के ऊपर रग्ड प्लास्टिक का यूज किया गया जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है। इसका फायदा यह है कि डिवाइस शॉक प्रूफ हो जाता है और गिरने करने के टाइम इसमें डेंट वगैरह नहीं आते। बाकी डिवाइस के दोनों तरफ बेस रेडिएटर्स हैं और यहां पर आपको मीवी की ब्रांडिंग दी गई है। बटन्स और पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो यहां पर सबसे ऊपर एक स्ट्रिप दिया गया है जो डे टू डे यूज करने में काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। जैसे कि आप इसको जो हैंग ऑन करके जो है यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रेवलिंग वगैरह में, या फिर हाथ में कैरी करने में ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। बाकी कंट्रोल्स की अगर बात करें तो यहां पर कुछ बटन्स दिए गए, जैसे कि प्लस माइनस का बटन है, इसके अलावा प्ले एंड पॉज का बटन है और पावर बटन आपको देखने को मिलता है। और आईओ कंपार्टमेंट की बात करें तो यहां पर आपको चार्जिंग केबल और ऑक्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। गाइज, ये जो डिवाइस है ब्लूटूथ 5.0 वर्जन सपोर्ट करता है, तो कनेक्ट करना काफी सिंपल है। बस आपको यहां पर पावर बटन को ऑन करना है, ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड के अंदर चला जाएगा और ये जो LED नोटिफिकेशन है ब्लिंक करने लगता है। देन आपको क्या करना है, मोबाइल के अंदर मीवी ऑक्टेव 3 पर क्लिक करना है एंड दैट्स इट, ये आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा। अब गाइज, ये जो स्पीकर है 16 वोल्ट के जो आउटपुट है उसको सपोर्ट करता है। अब साउंड क्वालिटी कैसा देखने को मिलता है, तो दो दिन से इस डिवाइस को मैं यूज कर रहा हूं, लिटरली मैं बता रहा हूं गाइस, जो साउंड क्वालिटी है ना वो आपको काफी तगड़ी देखने को मिलती है। मतलब जितना छोटा है उतना ही ज्यादा लाउड है। चलो इस चीज को लाइव एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार कानों के अंदर ईयरबड जरूर से पहन लेना, ताकि म्यूजिक का आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। चाहे बेस की बात कर लो, चाहे ट्रबल की बात कर लो, इतना ज़्यादा लाउड है कि ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जब ये चलेगा ना तो आपके घर का पूरा माहौल बना देगा। मतलब जो बीट्स होते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर सुनाई देते हैं। 100% वॉल्यूम के ऊपर भी किसी तरह का डिस्ट्रोशन मैंने इसके साथ में नोटिस नहीं किया। उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर मेटेलिक ग्रिल का यूज़ किया गया, जिससे जो साउंड वेंटिलेशन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इससे जो साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी लाउड मिलता है। और दूसरा, 360 स्टीरियो एक्सपीरियंस होने की वजह से जो है म्यूज़िक है ना आपको हर तरफ से इक्वल सुनाई देता है, तो वो भी मुझे प्रोडक्ट के साथ में काफी सही लगा। सच बताऊं तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1700-1800 रुपए के प्रोडक्ट में आपको इतना अच्छा साउंड क्वालिटी देखने को मिल सकता है। इस प्राइस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर मैं इसको बोल सकता हूं। अब इस बजट में जितने भी स्पीकर लोग खरीदते हैं उनका एक एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है कि भाई बेस जो है बिल्कुल थंपीनेस वाला होना चाहिए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के साथ में आपको थंपीनेस वाला बेस देखने को मिलेगा। बाकी देखो, रियल लाइफ के अंदर म्यूजिक एक्सपीरियंस करना और वीडियो के अंदर एक्सपीरियंस करना, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। और लिटरली अगर आप इसको परचेस करके खुद से साउंड क्वालिटी को एक्सपीरियंस करोगे ना, तो इसकी साउंड क्वालिटी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। अब इसके अलावा जो ब्लूटूथ स्पीकर है इसको आप कॉलिंग के टाइम भी यूज कर सकते हो। मैंने पर्सनली यूज करके देखा है भाई, डेफिनेटली काफी तगड़ा है। चलो एक टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। हेलो हेलो, हाँ भाई। अबे सुट्टे को छोड़, तू ये बता आवाज कैसी आ रही है? आईफोन तो नहीं लिया, बट तेरे को आवाज सही आ रही है, खराब आ रही है, बता तो सही। आवाज तो जैसी आती है वैसी आती है, सही है, बढ़िया आवाज है।
इसके अलावा जो डिवाइस है डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी है, तो ट्रेवलिंग के अंदर भी आप इसको अच्छा खासा यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको कोई भी आईपी रेटिंग देखने को नहीं मिलती। बट टेंशन मतलब बारिश वगैरह में या फिर हल्के फुल्के छींटे वगैरह करने में अगर ये भीग कर जाता है ना तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको पानी में डुबा डुबा के चला रहे हो। अब वेबसाइट के ऊपर स्पेक्स में एक लाइन मेंशन है कि कंप्लीट वाटर प्रूफ टैग। अब इसका मतलब जो भी होता है, अगर इस डिवाइस का वाटर टेस्ट हम ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने इसको यहाँ पर टेस्ट करके देखा है, भाई आराम से चल रहा, मुझे तो कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। अब सबके बाद में बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ की। तो देखो ऑफिशियली तो मीवी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि इसमें कितने एमएच की बैटरी देखने को मिलती है, बट जितना अभी तक मैंने इसको यूज़ किया, इवन कल जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था तो इसकी बैटरी लगभग 70% के करीब थी। मैंने इसको 2 से 3 घंटे कंटिन्यूसली यूज़ किया लगभग 70 से 80% वॉल्यूम के अंदर, तो बैटरी स्टिल जो है 50 और 55 के बीच में थी। और आज मॉर्निंग से इसके अंदर मैं गाने सुन रहा हूँ, 70 से 80% वॉल्यूम लेवल के ऊपर मैंने इसको यूज़ किया है। और उसके बेसिस पर एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप इसके साथ में आराम से मिल जाएगा बिना किसी टेंशन के। बाकी जो बैटरी बैकअप होता है वो आपके यूजर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने वॉल्यूम लेवल के ऊपर इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। बाकी इसके अलावा फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि भाई प्रोडक्ट कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो गाइस अगर देखो आपको बजट सेगमेंट के अंदर एक अच्छा खासा ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए जहां पर आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी देखने को मिले, बेस काफ़ी तगड़ा देखने को मिले, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड देखने को मिले, बैटरी बैकअप भी ज़बरदस्त देखने को मिले, तो ऐसे के अंदर आप इस डिवाइस के साथ में डेफिनेटली जा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट को सपोर्ट करना तो डेफिनेटली बनता है। डिवाइस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। स्पेशल प्राइस के ऊपर लगभग 1700-1800 रुपए के प्राइस पॉइंट पर आप इसको परचेस कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, जरूर से जाकर चेकआउट कर लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और दोबारा से चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, साथ में गिव अवे की भी बात कर लेते तो इस प्रोडक्ट का मैं गिव अवे आप में से किसी एक को कर दूंगा। अगर आप इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर देते हो तो आप में से कोई एक बंदा इस प्रोडक्ट को जो है जीत सकता है। तो फटाफट से यार लाइक का टारगेट पूरा कर दो, काफ़ी छोटा सा लाइक है। बाकी जो डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट वीडियो।